वक्त में नौनोत्ता में मौजूद और भारी तादाद में आज यहाँ पर राजपूत समाज पहुंचा और देखे किस तरीके से क्रेन पे लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो सका। भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे, एक एक करके जानेंगे कि आज क्या माहौल है, आखिर क्यों एकत्रित होना पड़ रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद राणा। सब क्या हो गया, आज क्यों आना पड़ गया यहाँ पे? ठाकुरपुर सिंह का पूरा स्कूल सपोर्ट है, पूरा समर्थन है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, क्या हो गया, आज क्यों आना पड़ गया यहाँ पे? भाई राजपूतों के सम्मान पे ठेस आ रही, इसलिए आना पड़ा। और जो है, जो हमारे से टकरा होगा और चूर चूर हो जाओगा, चाहे कोई भी है। ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि राजपूत समाज को ठेस पहुंच गई, ऐसा क्या हो गया? हमने बलिदान दिया इस देश की खातर, हमारा कन कन हमने अपना दान करा इस देश की खातर, हमें क्या, हमारे सम्मान को इन्होंने ठेस पहुंचाई। ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने जो आपके सम्मान को ठेस पहुंच गई? हमारा मीर बोझ पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, कोई गुज्जर, कोई कुछ बता रहा। और ये देखे किस तरीके से भारी तादाद में क्रेन में लोगों का आना शुरू हो चुका है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। जी भाई साहब, कहाँ से आए? कलेड़ी। क्या हो गया आज यहाँ आना पड़ गया इतनी भीड़? जो बीजेपी सरकार, राजपूत समाज सारी उम्र तक बीजेपी का लड़ा लग रहा था, है? आज उसे कुछ नहीं रही, आज ना टिकट दे रही, कुछ नहीं कर रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके, रक्षा मंत्री आपके, जिले में मंत्री आपके, लड़ाई चादिल से है योगी जी का, लड़ाई चादिल से है योगी जी तो भाजपा में ही है, उनका लड़ा है योगी राज का, योगी का है, अपने मुख्यमंत्री का लड़ा है, हम रहेंगे। बुलडोजर वाला से मिल लो भाई, और भी लोग हैं उन्हीं से जानते। जी भाई साहब, क्या हो गया आज यहाँ पे, क्या हो गया जो आज एकत्रित होना पड़ेगा राजपूत समाज? क्षत्रिय समाज बहुत नाराज चल रहा, इस वजह से जो एक किस्म से महापंचायत महाकुंभ रखा गया। इतनी भीड़ आखिर क्यों, क्या चुनाव से ठीक पहले? मोदी से 4 गुना भीड़ ज्यादा होगी, फिर हमें रहो 2 घंटे बाद देखियो। आखिर चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्या हो गया? जी हम पूछने के नहीं, भेड़ तो हमें करना पड़ा कुछ ना कुछ। सब कुछ कह रहे हैं लोग, बात कहते हैं, सब कुछ तो आपका ही है, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, जिले में मंत्री, जितने थे ना टिकट भी सारे काट दिए पूरे भारत में। मुख्यमंत्री को भी हटाने के चक्कर में लग रहे भाई, इनका ढंग बैठा देंगे, ढंग बैठा देंगे, ढंग बैठा देंगे। देखो राज किसने किया देश में, अब तक राज किसने किया? राजपूतों ने। और ये गुजरात से मोटा छोटा है क्या, ये राजपूतों का अस्तित्व खत्म करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कह रहे सम्मान में कमी तो नहीं दे रहे हैं भाजपा वाले, ऐसा कहते हैं कि सम्मान में कमी तो नहीं दे रहे। रक्षा मंत्री दे दिया, मुख्यमंत्री, जिले में मंत्री भी है। नहीं, जिले में मंत्री है लेकिन उनका इलाज तो ऐसा बहन रखा है, मंत्री बिरादरी के लिए कुछ बोल नहीं सकते। मंत्री जी, बिकोर बिरजेश जी बिरादरी के लिए कुछ बोल नहीं सकते। क्या डर है उन्हें, कुछ इसलिए नहीं बोल रहे क्या, डर है क्या कभी मंत्री पद भी छीन ले? बिल्कुल 2% मोटे छोटे ने इतने डरा रखे, इतने डरा रखा मंत्री जी को हमारे, कि मैं बोलने को एक शब्द तैयार ही नहीं है। तो भाजपा में कौन डरा रहा है मंत्री जी को? अमित शाह, जिसे ये चाणक्य बतावे, चाणक्य नीति, अब इनकी चाणक्य नीति ना, अब की बार राजपूत समाज इन्हें दिखाएगा कि राजपूत समाज क्या होता है। जय राजपूताना। कौन दबा रहा राजपूतों की आवाज? असली तो पता है, आज ही लगेगा कि ठाकुर में कितना दम है। 1 लाख+ आदमी हो गए, 1 लाख+ यहाँ आदमी। जी भाई साहब, राजपूतों का जवाब चाह रहा है क्या सरकार में? सरकार में जवाब अब पता चल जाएगा। क्या कह रहे भाई साहब, राजपूतों का दबाए जा रहा है सरकार में? रबड़े खानी जी, रबड़े के लिए दबड़े खानी हो रही है। जब ये बताओ, हमारे कोई भी नेता को टिकट नहीं दिया गया, हमारे कोई भी प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है राजपूतों को इतिहास से वंचित करा जा रहा है। अगर आपको किसी को भी किसी भी फील्ड से हटाना हो तो उसका बहिष्कार कर दो। जैसे राजपूतों को राजनीति से हटाया जा रहा, तो उनका राजपूतों को इसके बाद क्या निर्णय रहेगा? इसके बाद पंचायत के बाद भाई निर्णय ऐसा रहेगा, जो हमारे बड़े जितने बैठे हैं पंचायत के, जिनका निर्णय होगा। हम जितने भी युवा यहाँ पर खड़े हैं, हम उन्हें सपोर्ट देंगे। जी भाई साहब, क्या लग रहा है आप, क्या क्या हो सकता है आगे इसके पंचायत? मैं जो चाहूंगा वही होगा, जो ठाकुर ने कहते वो होना। और कल तो योगी जी भी आए थे, कल तो अब तो जो बीजेपी को हरा होगा मुझके साथ है। अच्छा, एक बात तो बताइए, योगी जी भी आए थे, आप कह रहे योगी जी हैं हमारे, तो योगी जी भी तो आए थे कल वोट मांगने। मुख्यमंत्री है ना, क्या करेंगे? कुछ नहीं होता इस पंचायत के बाद, भेड़ा के पापा कुछ नहीं पड़ा था ऊपर से, योगी जी पे तो आवे नहीं। पूरे समाज का उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा,
पार्टी से जाति विशेषता कोई दुश्मनी नहीं, पर जो हमारे समाज को खत्म करने की कोशिश करी जा रही, यो पूरा समाज उसके विरोध में आज एकजुट हुआ। तो योगी जी भी तो आपके समाज पता लग जाओ, इनको पता लग जाएगा, ये अब तक हमें हल्के में ले रहे थे। समाज तो बढ़ के कुछ नहीं दिखा देंगे मोदी को, अरे अमित शाह को राजपूत कौन हो। एक बार एक मिनट रुक जाओ, युवाओं को समझा दो कुछ, क्या कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहा है, समाज पलट की बदलेगी। अब तो युवा में जोश बहुत बढ़ रहा, राजपूतों खत्म करना चाह रहे हैं, अपने आप ही खत्म हो रहे। अच्छा एक बात बताइए, बात सुनो, एक बात सुनो, अभी कह रहे हैं कि अब तो राजनाथ सिंह भी बुला रहे हैं, कह रहे हैं राजनाथ सिंह जाएंगे बड़ी सभा में। सरकार को देखा राजपूत एक कुछ है, जिले में मंत्री भी तो दे रखे आपके, मुख्यमंत्री को बैठाने वाले हो रहे। अरे बीजेपी जी बुला रखे भाई, बात सुनो, ये तो मुख्यमंत्री को भी हटाने वाले हो, यानी कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री को टोपी दे देंगे ये। अगर ऐसा मुख्यमंत्री को ही हटावेंगे ना तो धरती कर देंगे। अरे मोदी जी के हर जगह संबोधन है मोदी जी के साथ, महाभारत हुआ था, उस महाभारत को याद कर लियो उत्तर प्रदेश में। अरे तुम देख भी रहे यहाँ से सब कुछ देख रहे, इनने योगी पंचायत भी हो, मोदी को भी, राजनाथ को भी, अरे अमित शाह को भी ठाकुर याद आ रहे क्या? अब गांव गांव में जाकर ठाकुरों की वे कर रहे हैं, इन्हें ठाकुर कोई पागल नहीं है कोई, आजकल सबको पता है, सब पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं बनने का बेवकूफ अब, ठीक है ना? अब युवा जाग रहा बढ़िया, आप कह रहे हो भाई, बात ऐसी है अभी शुरुआत करिए, अभी लेटे सहारनपुर में गाड़ा, और जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी लट काटेंगे। पहले भी काटा था, पहले भी लट काटा था, अब भी काटेंगे। अरे युवाओं के पास क्या था कार्मी थी, वो भी छीन ली इन्होंने, क्या रह गया चार साल में? कौन संगीत सोम छीन ले मारे, बता संगीत सोम तो हारे हैं, छीने कहा है संगीत सोम, संजीव आलिया नाराया, सुरेश राणा संजीव आलिया नाराया, विकास विक्रम सैनी संजीव आलिया नाराया, और जिस सपने कसम करता हूँ संजीव आलिया नाराया। चौबीस है भाई की बात मान लो, सुनो सुनो भाई की बात मान लो, संगीत सोम हार गए गाजियाबाद सीट पे, वीके सिंह 5 लाख वोटों से जीता था भाई, कहाँ है टिकट जो 5,000 तक जीता उसे दे रखा? 6,000 से संजीव बालियान जगह जीता गुल टिकट की वजह से आज पंचायत हो गई टिकट। नीरज भूषण बहुत बड़ा लीडर है, नीरज भूषण घर अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा नेता है, उसका टिकट कहाँ है भाई? बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है राजपूतों के साथ, अब भाई रविंद्र सिंह भाजीवाला हो गया, धनंजय सिंह राजपूत एक दिन पहले करते ऐलान, मैं निर्दलीय खड़ा हूँ, लगा दिए सारे केस का एक दिन पहले ही, और डाल दे जेल में। तो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ लोग आएंगे सड़कों पे, रविंद्र सिंह भाटी तो हाल है, राजपूतों ऐलान करने 5-10 लाख आदमी होंगे। साफ सुधी बात यो है, राजनीति जिसने सिखाई हमें सर, हिंदुस्तान पे भी और पूरे विश्व पे भी, राज राजपूतों ने करा। जिंदाबाद राजपूत एकता, राजपूत एकता, और नेता कैसा है जैसा है? छोटी सी बात है, देखो राजपूता जो राजपूत है, सुनो राजपूत पहले से राज करता है, यहाँ करता है, करता रहेगा। अब आज में खत्म करना चाह रही है राजपूत, राज करेगा आगे भी, जो जो हमें खत्म करती है हम उसको खत्म करेंगे, हमारा नाम राजपूत है। तो कल को राजनाथ सिंह आएंगे वोट मांगने, फिर क्या होगा भाई साहब? हम बिरादरी में नहीं जाते, हम सम्मान में जाते हैं भाई, मेरी सुन बात, जब हम सर खपा सके तो सर राजपूत बहलोल खान को काट दिया था ना बीच में घोड़े के बीच, संजीव बालियान को ना राजपूत अवान, राजपूत बनेगा ना दबा, ना बनेगा राजपूत का दीदी। तो भाई साहब क्या नीले लग रहा है इसके बाद आज? क्यों बराबर भाई, ये राजपूत समाज की एक मीटिंग है कि पंचायत है कि जो हमारे ठाकुर साहब फैसला लेगा हमें वही मान्य होगा। ठेस पहुंची बहुत तगड़ी भाई, राजपूत मान सम्मान ठेस पहुंची बहुत तगड़ी जी। भाई साहब क्या लग रहा है मीटिंग के बाद क्या होने वाला है? अब होने वाला तो सब कुछ दिखाई दे रहा, भाजपा का चोपड़ा साफ है, भाजपा का चोपड़ा साफ। अरे योगी जी आए थे कल तो वोट लेने, अरे भाई योगी जी जो सब जाते थे कांड ही नहीं हुआ था, योगी जी बोल ही नहीं रहे, वो ऐसे लोग जिन्होंने तमाम मुद्दों पर रह रहे कि फिलहाल इतने धन्यवाद।